उन चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रल्स ऑफ रैशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस ऑफ द फॉर्म रैशनल फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। एक तो इस टाइप का पढ़ेंगे और दूसरा इस टाइप का पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म। रैशनल फंक्शन इस तरीके के होंगे तो उनका इंटीग्रेशन हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.11 में। तो इस टाइप के जो रैशनल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका होगा, फर्स्ट डिवाइड, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और उसके बाद देन वी पुट एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी और एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी, और न्यूमरेटर में फिर इनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा, और फिर कोई ना कोई टाइप बन जाएगी, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकेंगे, कर पाएंगे। तो ये है इंटीग्रेशन इस टाइप के करने का, रैशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ऊपर स्क्वायर टर्म हो, नीचे फोर डिग्री में टू में हो, प्लस हो ऊपर या फिर माइनस हो, तो उसको कैसे करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, और देन आफ्टर अगर बीच में ऊपर प्लस है तो उल्टा नीचे माइनस को पुट कर देंगे, ऊपर बीच में माइनस है तो प्लस को कर देंगे। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन है बीच में। तो एक्सरसाइज 9.11 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, मान लेते आई है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो देखो, ऊपर देखो टू में है और नीचे फोर में है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इस फॉर्म का है ये रैशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, के की वैल्यू जीरो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इसको भी ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ऊपर तो बन गया वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ऊपर देखो ये किसका डेरिवेटिव होने बताया था, नीचे या तो एक्स प्लस वन बाई एक्स को पुट करेंगे या फिर एक्स माइनस वन बाई एक्स को पुट करेंगे, तो उसके लिए हम नीचे क्या बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर और वन बाई एक्स स्क्वायर के टर्म हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए टू को हम ऐड कर देते हैं और टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, टू इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बन गया वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू। तो देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, बनने को तो पीछे वाला बन रहा है लेकिन ऊपर बीच में माइनस है तो उल्टा बनता है भाई, डेरिवेटिव प्लस का बनेगा। तो हम प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल टू। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है ये, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और माइनस टू, ये है। तो देखो इसका हमें अब ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, हमने इसको ऐसी फॉर्म में बदल दिया है कि इसका हमें ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो रैशनल फंक्शन इस फॉर्म के हों तो उसमें हम नीचे बनाएंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स या फिर एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो नीचे बन गया एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम इसको पुट करेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका हमें ऊपर अब डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो एक्स का होगा डी एक्स और एक्स की पावर माइनस वन का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और दिस इज इक्वल टू डी टी। और ये चीज न्यूमरेटर में है तो इसको क्या लिखेंगे, डी टी। तो ये इंटीग्रेशन बन गया डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस टू, ये बन गया। हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी पुट किया है क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये टाइप बन गई इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ये टाइप बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन बाई टू ए लॉग मॉडुलस टी माइनस रूट टू अपॉन टी प्लस रूट टू और प्लस सी। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे टी की, इसमें टी की वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस रूट टू और प्लस सी। इस तरीके से करेंगे भाई, तो हमने ऐसे किया है। रैशनल फंक्शन इस फॉर्म का हो, ऊपर टू में हो पावर, नीचे फोर और टू में हो, तो उस केस में हम कैसे करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, और फिर जो ऊपर है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनेगा, बीच में माइनस है तो प्लस का बनेगा और बीच में प्लस है तो माइनस का बनेगा। यहाँ पर ऊपर बीच में माइनस था तो प्लस का बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे बने, टू ऐड कर दिया, टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ऐड करे हुआ था उससे बन गया एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, और इसको हमने टी पुट कर दिया, ऊपर इसका डेरिवेटिव दिख रहा है। फिर ये इंटीग्रेशन की ऐसी टाइप बन गई जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई। अब ये एक्स की फोर है तो ये भी हम उसी तरीके से करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू एक्स की फोर में है नीचे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, रैशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऊपर एक्स स्क्वायर में नीचे एक्स की फोर में, और साथ में नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म भी हो सकती है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वन प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर देखो इसमें किसका बनेगा,
फोर बाई एक्स है इसमें, 16 बाई एक्स स्क्वेयर किसका स्क्वेयर होता है, 4 बाई एक्स का, और दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं 2 × x × 4 बाई एक्स तो 8 होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 8। तो हमें 8 की जरूरत है, हम इसमें 8 ऐड कर देंगे और 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब ये क्या बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वेयर। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एट इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन गया 1 + 4 / x² x² + 16 / x² और -8 + 8। हम माइनस वाले का यूज करेंगे क्योंकि ऊपर दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस किसका डेरिवेटिव बनता है माइनस का, जब डिनोमिनेटर का कर रहे हो तो ये कंप्लीट स्क्वायर माइनस से भी बनता है और प्लस से भी, हम अपनी जरूरत के अनुसार बनाएंगे। यहाँ पर हम नीचे माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि ऊपर बीच में प्लस है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया 1 + 4 / x² dx अपॉन x - 4 / x² और +8। अब हम इसको पुट कर देंगे, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हमें इसका डेरिवेटिव, तो पुट करेंगे x - 4 / x = t और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो x का तो हो गया dx और x की पावर -1 का पावर आगे आ जाएगी, -1 पावर कम हो जाएगी नीचे जाकर प्लस, और x का dx = dt तो dx इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये बन गया 1 + 4 / x² = dt। ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है तो ऊपर वाला ये आई बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t² + 8 और ये टाइप बन गई हमारी इंटीग्रेशन dt अपॉन t² + √8² और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है 1/a tan inverse x / a t / √8 + c और t की वैल्यू रख देंगे इसमें, हम t की वैल्यू क्या है 1/√8 tan inverse x - 4 / x / √8 + c ये आंसर आ गया, एलसीएम ले लेंगे इसका और इस तरीके से करेंगे। रूट एट को हम 2√2 भी लिख सकते हैं भाई, तो इस तरीके से किया जैसे पिछला किया था, इसमें बस 16 आ गया था ऊपर 4 था, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, हमने देखा नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो क्या होगा 2 × ab तो x * 4 / x 8 होगा, तो 8 की जरूरत पड़ेगी, नीचे 8 ऐड कर दिया 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ऊपर प्लस बीच में था तो माइनस का बनाएंगे, दोनों बना सकते हैं वैसे प्लस वाले से भी और माइनस वाले से भी, तो हमने माइनस वाले से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे आगे इंटीग्रेशन x² + 1 / x⁴ + x² + 1 dx तो ये भी वही टाइप है रेशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऊपर स्क्वायर में नीचे 4 और 2 पावर में, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x² से डिवाइड करते हैं, तो x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बना 1 + 1 / x² और नीचे भी x² से डिवाइड करेंगे तो x² + 1 + 1 / x² dx हमने ऊपर नीचे x² से डिवाइड किया है इसको, तो ये बन गया 1 + 1 / x² और नीचे बने x² + 1 + 1 / x² तो ऊपर बीच में प्लस है तो नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे माइनस का, तो उसके लिए इन दोनों से बनेगा, इसमें किसकी कमी है 2 की,
तो हम टू ऐड कर देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू इन डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस है ना ऊपर, दोनों के बीच प्लस है, तो माइनस का बनाएंगे, माइनस को आगे रख लेंगे प्लस को पीछे, दोनों बना सकते हैं वैसे, तो यहां से यहां तक ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, किसका बनाया, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री। अब हम इसको कैसे करेंगे, पुट कर लेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो एक्स का तो होगा डी एक्स, एक्स की पावर माइनस वन का वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया है, डी टी बन गया है, तो ये बन गया डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस थ्री, ये टाइप बन गई अब इंटीग्रेशन की, टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ये टाइप बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई रूट थ्री प्लस सी, और हम टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस सी, और ज्यादा करें तो एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स आ जाएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर फोर है भाई, आई इज इक्वल टू लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो इसमें हमने जो फॉर्म पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से पढ़ी थी, या कोई और कॉन्स्टेंट भी आ सकता है साथ में, लेकिन यहां पर प्लस में वन नहीं है, नहीं माइनस में वन है, तो बनाना पड़ेगा भाई इसको, ये फॉर्म बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू, टू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं, और टू एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे और वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये दो क्वेश्चन बन गए हैं, दोनों को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, दो पार्ट्स में बन गए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं उस तरीके के ही हैं ये दोनों, तो इन दोनों को आगे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसको आई वन मान लें और इसको आई टू, सेम एज क्वेश्चन वन, क्वेश्चन थ्री सेम एज क्वेश्चन थ्री जो हमने अभी भी पढ़ा है उस तरीके से, सेम एज क्वेश्चन थ्री, और इसमें माइनस आ रहा है बस, ये फर्क है, तो आई वन और आई टू की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर थ्री में निकाली थी वो ही आई वन बनाया है। तो कैसे बनाया, ऊपर एक्स स्क्वायर था साथ में प्लस माइनस वन नहीं था, तो बनाने के लिए हमने टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड दो अलग अलग पार्ट्स, वन ऐड कर दिया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों को सेपरेट कर दिया, आई वन और आई टू दोनों इंटीग्रेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की फोर प्लस वन डी एक्स, ये भी इसी तरीके से है, इसमें भी ऊपर प्लस वन और माइनस वन नहीं है, तो मेथड क्या होगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू, और अब क्या कर देंगे हम वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसमें वन ऐड कर देंगे वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी दो क्वेश्चन आ गए हैं भाई जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बीच में प्लस है तो दो पार्ट्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की फोर प्लस वन डी एक्स, और दोनों को हम अलग अलग सोल्व करना जानते हैं, ये कर चुके हैं हम,
क्वेश्चन नंबर वन में, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, तो इसको मान लेंगे वन बाई टू आई वन प्लस वन बाई टू आई टू, और सोल्व करेंगे, फाइंड करेंगे आई वन एंड आई टू, और वो वैल्यू लिख देंगे, अलग अलग निकाल लेंगे दोनों को, और दोनों को कैसे करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन, सेम एज इन क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन जो हमने पढ़ा है उसी जैसा ही पार्ट है ये, और इसमें बस प्लस आ गया है, तो ये खुद कर सकते हो तुम इसको। आगे जी है क्वेश्चन नंबर सिक्स, अभी से आगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन लेट आई इज इक्वल टू, तो इसमें वो टाइप नहीं बन रही है, ऊपर एक्स स्क्वायर में नहीं है, होना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस कोई कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट नहीं है तो बनाना पड़ेगा हमें, ये टाइप बनानी पड़ेगी रैशनल फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर में बनाने के लिए हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेंगे रफ में, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस सिक्सटीन बाई एक्स स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर किन किन से बनेगा, इन दोनों से बनेगा, और इन दोनों से या तो ये बनेगा और या ये बनेगा, इन दोनों से, तो इसका मतलब हमें ऊपर फोर की जरूरत रहेगी, और एक फोर नहीं ले सकते, दो फोर लेने पड़ेंगे, फोर प्लस फोर इसका डबल लेना पड़ेगा एट, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एट, ये फॉर्म बनाने के लिए रैशनल फंक्शन हम इस कॉन्स्टेंट को देख करके करेंगे, कॉन्स्टेंट किसका स्क्वेयर है फोर का, तो फोर का डबल लेंगे क्योंकि ऊपर फोर बनाना है हमें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एट, एट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा एट डी एक्स अपॉन एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, और अब हम इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं, एट को लिख लेंगे एक तो फोर प्लस फोर एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन डी एक्स, और इसमें हम क्या करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, फोर ऐड किया, सॉरी एक्स स्क्वायर ऐड किया और एक्स स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया फॉर्म बनाने के लिए, अब एक्स स्क्वायर ऊपर नजर आने लग गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हमेशा कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से डिवाइड, क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। अब ये दो पार्ट्स बन गए हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन डी एक्स, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बने एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन डी एक्स, ये बन गया भाई। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग मान करके एक को आई वन मान लेते हैं और एक को आई टू मान लेते हैं, और फिर लास्ट में इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो देखो आई वन को कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन डी एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो आई वन बन गया वन प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर से करो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस सिक्सटीन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये नीचे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ऊपर बीच में प्लस है तो किसका बनाएंगे माइनस का, तो क्या करेंगे हम सिक्सटीन बाई एक्स स्क्वायर के लिए हम करेंगे एट ऐड करेंगे और एट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर बीच में प्लस है तो माइनस का बनाएंगे, और ये बन गया हमारे पास,
अब यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, 1 + 4/x² और ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x - 4/x² +3 और साथ में क्या हो गया dx। तो अब हम पुट कर लेंगे x - 4/x = t, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो dx + 4/x² dx = dt। ये टर्म ऊपर है तो ऊपर बन गया dt / t² + 3 और इसका इंटीग्रेशन 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/√3 tan inverse t/√3 और ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3 tan inverse x - 4/x / √3। ये तो एक पार्ट आया है भाई। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, i2 को भी x²-4 x^4 - 5x²+16 dx डिवाइडिंग करेंगे सबसे पहले तो ये बनेगा 1 - 4/x² x²-5 + 16/x² और ऊपर बीच में माइनस है तो प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनेगा, 1 - 4/x² और x² + 16/x² और -8 + 8 - 5 dx। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ऊपर माइनस था तो हमने प्लस का बनाया अब की बार, तो 1 - 4/x² x - 4/x² और -13 को लिखेंगे √13 का स्क्वायर dx। अब इसमें पुट कर देंगे x - 4/x = y, डिफ्रेंशिएटिंग ऊपर बन रहा है इसका dx + 4/x² dx = dt। तो i2 बन गया है हमारे पास dt/t² - √13 का स्क्वायर, ये टाइप बन गया x²-a² 1/2a और लॉग मॉडुलस t - √13 / t + √13 और प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे हम इसमें x - 4/x, हमने पुट किया था वो -√13 / x + 4/x + √13, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, आई क्या जाएगा 1/8 × 1/√3 tan inverse x²-4/√3x और दूसरा है -1/8 × 1/2√3 और इसका √13, एलसीएम ले लेंगे तो x² बनेगा, लॉग मॉडुलस x²-4 - √13x अपॉन नीचे बनेगा ये माइनस था तो नीचे बन जाएगा x²-4 + √13x और प्लस सी, ये आंसर आ गया इसका।